हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई ब्यूटी विद आकृति। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट आई मेकअप यूजिंग अ काजल। बताने वाली हूँ कि आप सिर्फ काजल का यूज करके डिफरेंट आई लुक कैसे अचीव कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और आपको पसंद आए तो आप कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई लुक क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए होगा काजल। मैंने यहाँ पे दो ब्लैक एंड एक व्हाइट काजल। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो काजल है वो ब्रांडेड ही होना चाहिए, आप 10 रुपए वाले काजल के साथ भी अच्छा आई लुक क्रिएट कर सकते होगा। इस टाइप का ब्रश आपको, ये तीन नहीं, आप कोई सा भी एक अगर आपके पास ब्रश है आप डिफरेंट आई मेकअप लुक अचीव कर सकते हो। सबसे पहला है ये ब्लेंडिंग ब्रश। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे एंगुलर ब्रश का भी यूज कर सकते हो, इस तरीके का होता है। अगर आपके पास एंगुलर ब्रश भी नहीं है तो आप इस तरीके का ब्रश यूज कर सकते हो जो कि शैडो पैलेट के साथ आता है, आप देख सकते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काजल अप्लाई तो करते हैं बट वो बहुत ज्यादा स्मज आउट हो जाता है। आप अपने काजल को स्मज प्रूफ बनाने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो कॉम्पैक्ट पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कॉम्पैक्ट पाउडर लेके जस्ट आपको एक ब्रश की हेल्प से उसको अपने पूरे आईज पे सेट कर लेना है ताकि जो आप जो भी काजल अप्लाई करो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और फैले भी ना। और जिनको ऑयली आईलिड की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब मैं आपको फर्स्ट आई लुक बताने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट आई लुक। मैंने यहाँ पे कैमरे को जूम कर लिया है ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। तो सबसे पहले हमें काजल लेना है और उसको अपने अपर लैश लाइन में अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने अपर लैश लाइन में काजल को अप्लाई कर लिया है। अब हमें अपने आईज को ऐसे स्ट्रेच करना है, देन आपको इसको लैश लाइन के अराउंड स्लोली स्लोली अप्लाई करना है।